दोस्तों, क्या आपको पता है अक्षय कुमार और दीपिका पादुकोण को भारत में वोट देने का अधिकार नहीं है। जी हाँ दोस्तों, ये जानकर आपको काफी हैरानी होगी। भारत में रहने और काम करने के बावजूद कुछ ऐसे सितारे हैं जिन्हें भारत में वोट देने का अधिकार नहीं है। अमर उजाला के एक रिपोर्ट के अनुसार उन्हीं में से एक है बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण। दीपिका पादुकोण का जन्म डेनमार्क देश में हुआ था, जिसकी वजह से उनके पास डेनमार्क की नागरिकता है और वो भारत में वोट देने का अधिकार नहीं रखती। लिस्ट में नंबर दो पर आते हैं अक्षय कुमार। भारत में इनके चाहने वालों की कमी नहीं है। हालांकि ये साल उनके लिए काफी खराब रहा है। इन्हें भी भारत में वोट देने का अधिकार नहीं है, क्योंकि इन्होंने कनाडा की नागरिकता ले रखी है। नंबर तीन पर आती हैं आलिया भट्ट। इनके पास भी भारत की नागरिकता नहीं है, जिसका कारण ये है कि इनकी माँ सोनी राजदान ब्रिटेन से हैं और इनके पास ब्रिटेन की नागरिकता भी है। यही कारण है कि आलिया भट्ट के पास भी ब्रिटिश नागरिकता और पासपोर्ट है। लेकिन हाँ, रणवीर कपूर के साथ शादी करने के बाद शायद भारत की नागरिकता मिली हो। अभी तक इसकी कोई जानकारी नहीं है। इस पूरे लिस्ट में कटरीना और जैकलीन जैसे कई सारे सितारे मौजूद है। दोस्तों, आखिर क्या है इस गांव में जो आज तक यहां एक बूंद भी बारिश नहीं हुई और ना ही फ्यूचर में कभी होने वाली है। जी हां, ये सुनकर आपको काफी हैरानी होगी। दुनिया में एक ऐसा गांव भी है जहां आज तक एक बूंद भी बारिश नहीं हुई। आइए जानते हैं इसके पीछे की वजह। दरअसल हम किसी रेगिस्तान की बात नहीं कर रहे, बल्कि एक गाँव है जहां काफी लोग रहते हैं, जो यमन की राजधानी सना के पश्चिम में स्थित है, जिस गाँव का नाम अलहुतैब है। यहां लोग देश विदेश से घूमने आते हैं, जिसकी वजह यह है कि ये गाँव पृथ्वी की सतह से 3200 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, यानी कि करीब 3 किलोमीटर ऊपर। ये गाँव बादलों के ऊपर बसा हुआ है, मतलब ऊंचाई पर होने के कारण बादल इस गांव के नीचे बनते हैं और बरस जाते हैं। बस यही वजह है कि आज तक इस गांव में बारिश नहीं हुई, जो देखने में किसी जन्नत से कम नहीं लगता। वैसे आप अपने शहर का नाम कमेंट कर सकते हैं।